साइबर सिटी में अपराधियों को खाकी का कोई भी खौफ नजर नहीं आता है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 इलाके में हथियार बंद तीन बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दे दिया। मौके से फरार हो गए और बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप से लगभग 200 से 300 ग्राम के सोने और चांदी के जेवरात सहित कैश काउंटर में रखे 80,000 रुपए लेकर फरार हुए। वारदात के बाद शॉप के मालिक ने इसकी सूचना पुलिस को दी है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब आगे की जांच में जुटी हुई। फिलहाल पुलिस ने दुकान में लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिए हैं और हर एक पहलू की तफ्तीश करती हुई नजर आ रही है। सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषि सोनी है। ऋषि जी, कितने बजे की घटना है और क्या कुछ हुआ एक बार बताएं। ये लगभग लगभग 3:20 3:15 स्टार्ट हो गई थी और 3:28 से 13-14 मिनट अंदर रहे थे वो। ठीक है, क्या कुछ हुआ? क्या कुछ, सामान ले गए सारे निकाल के। कितने लोग थे? 3 लोग थे। हथियार भी थे क्या? एक के पास रिवॉल्वर था, एक के पास चक्कू था और एक जो बैग था वो बैग ट्रे खोल के और सामान निकाल के बैग में डाल रहा था। डायरेक्ट लूट के लिए घुसे थे? डायरेक्ट लूट के लिए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से आके, भाई क्या है, कुछ सामान के बारे में नहीं पूछा, आके सीधा लूट गया।